मेरी न्यू वीडियो। तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, बहुत ही बिंदास वीडियो होने वाली, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना, हर पार्ट आपको देखना चाहिए इसका वीडियो का, क्योंकि मिस मत करना। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, वो क्या वीडियो है, वीडियो का टॉपिक क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमारा बड़ा वाला होम थिएटर था वो मैंने सारा ही तोड़ दिया है, दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टूटे पड़े हैं, और इसके यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों बूफर यहाँ पर निकले रखे हैं, ये आठ वाले। अब दोस्तों दो मेरे पास ये सोनी के हैं, कार के होते हैं। अब दोस्तों इन चारों को ही हम लगाएंगे और होम थिएटर मतलब कि म्यूजिक सिस्टम बनाएंगे, काफी धांसू वाला और बहुत ही बेहतरीन वाला सिस्टम बनाएंगे, जिसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रैक्टर वगैरह पर भी लगा सकते हो। वीडियो है काफी खतरनाक होने वाली है। उधर देखिए ये हमारा 4x4 का प्लाई का बोर्ड रखा है, लाया हुआ दोस्तों, लेकर आया था मैं इसे। अब देखते हैं इसमें काम हो जाएगा, ये लानी पड़ेगी प्लाई। और ये 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है, 4x4 का है, 4×16 16 square feet का है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। उससे होता क्या है, मेरी कोई भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा मतलब कि पहले जो है हम उस पर निशान लगाते हैं और उसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग की है और किस तरह से मतलब कितने कितनी लंबाई चौड़ाई है। तो पहले फटाफट मैं उस काम को कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों काफी समय की मेहनत के बाद देखिए मैंने कुछ पीस कट किए हैं। देखिए दोस्तों दो पीस ये हैं जिनकी चौड़ाई 14 इंच है, और जो लंबाई है वो आपको दिखाता हूँ इसकी। दोस्तों लंबाई देखिए यहाँ पर 36 इंच है, दो पीस हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक ये वाला पीस है जिसकी लंबाई जो है 36 इंच है, और जो चौड़ाई है इसकी वो 10 इंच है, यहाँ पर देखिए। अब दोस्तों दो पीस यहाँ पर मैंने ये कट किए हैं जिनकी चौड़ाई 10 इंच, और दोस्तों लंबाई जो है इनकी यहाँ पर देखिए 15 इंच है ये। तो दो पीस ये हो गए। अब दोस्तों दो पीस यहाँ पर भी हैं ये, जिनकी चौड़ाई तो है 10 इंच देखिए यहाँ पर, और जो इनकी लंबाई है वो है 17 इंच। अब दोस्तों ये दो पीस क्यों कट किए हैं, ये क्यों किए हैं, ये क्यों किए हैं, और ये क्यों क्या है आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो हमारा पीछे का सिरा है, और ये जो हमारे दोनों मतलब जिसमें हमारे जो स्पीकर लगेंगे वो हिस्से हैं। अब दोस्तों देखिए ये जो है हमारा 36 है, ये जो है मैं दोस्तों ये भी 36 थे, 18 थे, मैंने इसमें 1-1 इंच के जो पीस हैं ये देखिए ये कट कर दिए थे। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा दोस्तों। अब ये बीच में इतना गैप है, जो यहाँ पर ही हमारा जो स्पेस रहेगा वो जो अंदर की जो इसमें हवा निकलती है वो हमारा यहाँ पर स्पेस रहेगा इतना। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर हमारा रहेगा 8 इंची, और यहाँ पर लगेगा हमारा जो है कार के लिए जो मतलब कार वाला जो स्पीकर है दोस्तों सोनी का। अब बीच में जो है उसमें जैसा भी डिज़ाइन बनेगा आपको मैं दिखाता रहूँगा, अभी फ़िलहाल में बॉक्स की कटिंग करी है बस, अभी फ़िलहाल में नॉर्मल बॉक्स बनेगा पहले, बस ऊपर से बॉक्स पूरा बंद नहीं होगा जिससे हम जो है अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। अब दोस्तों करते क्या हैं, यहाँ पर हमारे स्पीकर्स रखे हैं, अब इन स्पीकर्स की यहाँ पर जो है हम जो है नाप लगा लेते हैं, और नाप लगाने के बाद कटिंग करेंगे। तो पहले हम इनके यहाँ पर नाप लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है अच्छी तरह से। अब दोस्तों हमें जो कटिंग करनी है अंदर वाली जो मार्किंग है वो करनी है, बाहर की बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। अगर बाहर की करोगे तो स्पीकर नहीं रुकेगा, जो अंदर वाली है मार्किंग वही हमको कट करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ अभी वो क्यों। जैसे दोस्तों ये हमारा स्पीकर है, तो ये स्पीकर जो है हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें इतना गैप होता है, तो ये जो गैप है ये इसी के ऊपर टिकेगा, ये हिस्सा अंदर जाएगा। तो दोस्तों हमें अंदर वाली जो मार्किंग है दोनों की वही कट करनी है पूरा। दोस्तों स्पीकर की एक बार नाप लेने के बाद जो है अंदर से इतना इतना हमें यहाँ पर देखिए मार्किंग अंदर से कर लेनी है, वरना अगर पूरी कट कर देंगे तो इसमें स्पीकर नहीं रुकेगा, हमारा सारा ही जो है मतलब प्लाईबोर्ड सब खराब हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों में ऐसे हैं। अब दोस्तों इसको कटिंग कैसे करेंगे, जिग्सा मशीन तो होने की नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी नहीं है, तो जिग्सा मशीन से नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा कटिंग वाला नहीं है
तो भी आपको मैं देसी जुगाड़ बताता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, पेचकस तो आपके पास होता ही है, ख़राब किसी के पास। ये देखिए इस पेचकस में मैंने आगे से धार बना रखी है। अब देखिए दोस्तों ये ठोक पीट कर ये ऐसा हुआ है पेचकस। अब जैसे हमारा ये पेचकस है, अब इस पेचकस पर ये देखिए दोस्तों जैसे कि हथौड़ी है। अब इसको नीचे रखने के बाद यहाँ पर अंदर वाली मार्किंग पे ऐसे रखेंगे दोस्तों, अंदर वाली और इसको हथौड़ी से धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसको ठोकेंगे तो धीरे धीरे कटेगा दोस्तों। ये टाइम तो लगेगा पर दोस्तों इसमें पैसे ही बच जाएंगे। और ये देसी जुगाड़ है, जिग्सा मशीन काफ़ी कॉस्टली आती है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल देसी जुगाड़ बता रहा हूँ। इसी तरह से कट करूँगा मैं भी, तो इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ। इसी तरह से कट करना है, जैसे देखिए दोस्तों बस थोड़ा सा इतना है। एक बार करने के बाद दूसरी बार भी, एक बार पेचकस मतलब कि सारे में ठोकने के बाद दूसरी बार और करना पड़ेगा, तब जाके इसका पूरा पीस निकलेगा। तो फटाफट मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों काफ़ी समय की मेहनत के बाद हमारे जो है चारों होल हो चुके हैं। दोस्तों इनमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, करीब करीब इसमें हमारा 1 से 1.5 घंटा लग चुका है दोस्तों, पर होल जो है ठीक ठाक हुए हैं, बढ़िया हैं एकदम। देख रहे हो जैसे कि दोनों के होल एकदम बढ़िया आपको मिलेंगे। स्पीकर लगाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये वाला स्पीकर है, तो इसको हम देखते हैं, लगाकर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल फिक्स है, साइडें भी बिल्कुल फिक्स आई हैं। अब दोस्तों इसमें जो है हम देख लेते हैं, ये जो 8 इंची है, 8 इंची बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। दोस्तों दूसरा क्यों चेक नहीं कराया, दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम यही है, देख लीजिए आप, बिल्कुल इसी का साइज है दूसरा भी। अब हम करते क्या हैं, अब इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी बाकी पार्ट हैं उनको सबको एक साथ हम असेंबल करेंगे, एक साथ ठोकेंगे, अब बॉक्स बनाना शुरू करते हैं।
सो फाइनली दोस्तों हमारा देखिए यहाँ तक का सेटअप रेडी हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तो पूरी ऊंची हो गई है, पर थोड़ी सी नीची है, इसको हम बाद में जब फेविकोल भरेंगे तो इसको हम लेवल में कर देंगे। अब दोस्तों इसमें काम रह गया है ऊपर का फंटा लगना, उससे पहले जो इसका काम है सील बंद हो गई है, इसमें फेविकोल लगेगा, तो फटाफट इसमें फेविकोल लगाना शुरू करते हैं। सो फाइनली दोस्तों हमारी जो कैबिनेट है वो बनकर रेडी हो गई है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे जो इसके स्पीकर रखे हैं और ये कैबिनेट हमारी पूरी इस तरीके से मतलब तैयार हो गई है। इसकी सारी फिनिशिंग मैंने कर दी है दोस्तों, कटर से बिल्कुल चारों तरफ से बढ़िया हो गई है। अब दोस्तों जैसे कि हमारे ये जो होल हैं इसमें हम वायर तो नहीं निकालेंगे, इसमें कनेक्टर लगाएंगे, आपको कनेक्टर दिखा दूँगा। इस तरह के कनेक्टर हैं दोस्तों ये, तो ये वाले कनेक्टर हम चार लगाएंगे चारों स्पीकरों के अलग अलग। सो दोस्तों अब हम करते क्या हैं, इसमें कनेक्टर लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये हमारे यहाँ पर होल हैं स्पीकर्स के, तो हमारे जो स्पीकर्स के होल हैं इनमें हमें पीछे की तरफ से कनेक्टर लगाने हैं, तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। अब दोस्तों एक हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर जो उधर से थोड़ी सी प्लाईबोर्ड लगा है, तो यहाँ पर हमें होल करना है, एक का यहाँ पर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जैसे प्लाईबोर्ड लगा है तो एक का होल यहाँ करेंगे और दूसरे का यहाँ पर करेंगे, तो कहीं भी प्लाईबोर्ड के सामने नहीं आएगा। तो फटाफट इसमें जो है हम होल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने होल कर लिए हैं, दो यहाँ पर कर दिए और दो यहाँ पर। दोस्तों टेलीविजन ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ, तो इसलिए जो है हमने पिक्चर से करे थे तो इसमें टाइम लग गया, इसलिए मैंने वो पार्ट आपको नहीं दिखाया। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, अब जो है हमारे जो कनेक्ट करेंगे वायर जो है कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्टर जो हैं तो इनमें जो है हम वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों वायर हमारे पास ये वाली वायर है, तो ये हमारे देख सकते हो दोस्तों ये वायर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अच्छी वायर यूज़ करनी है जो आगे भी दिक्कत ना करे, तो फटाफट हम इसके कनेक्टर जो है यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ये कनेक्टर है, ये पॉइंट इसका हमें माइनस रखना है और ये प्लस, सारे स्पीकर जो हैं हमारे उसमें अगर हमारा स्पीकर प्लस में और माइनस जो हमारे प्लस यहीं पर और माइनस यहाँ पर अगर हम वो यूज़ करेंगे, अगर हम बैटरी से एक बार चेक कर लेंगे हमारा जो स्पीकर अगर आगे की तरफ मूव करता है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे उसका और यहाँ पर माइनस। इसी तरह से चार मतलब चारों स्पीकर कनेक्शन हमें सेम टू सेम करने हैं, जिससे होता क्या है दोस्तों हमें आगे को कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हम कनेक्शन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो उससे हमारे स्पीकर्स की आवाज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो फटाफट जो है कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, इनको एक एक करके इसमें फिक्स करेंगे। दोस्तों मैंने इसका जो पेज है यहीं पर टाइट कर दिया, वो क्यों, क्योंकि तो दोस्तों ये जो प्लाई वायर है ये थोड़ी मोटी है, अब इसका पेज यहाँ पर नहीं खींचेगा। ये जो आते हैं जो टीएम की आती है हमारी बॉडी, उसमें कितने ही जाते हैं पर हम इसमें लगा लेते हैं, लकड़ी काफ़ी मोटी है इसकी,
तो इसे हम ऐसे ही लगाकर बाहर से इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। फाइनल दोस्तों, हमारा जो होम थिएटर है, जो म्यूजिक सिस्टम है, बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्पीकर इसके फिक्स हो गए हैं। अब दोस्तों पीछे जो है मैंने वायर ही निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारे कनेक्टर चारों ही ख़राब निकले हैं। वो एक तरफ से सप्लाई दे रहे हैं, पर जो बीच में उसकी पिन जाती है वहाँ से बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही है। पता नहीं है वो अंदर से ख़राब हैं वो। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी पर वो ठीक नहीं हुए, तो मैंने वायर ही निकाल दी। पर होल जो है वो मैंने बंद कर दिया है, जो कनेक्टर थे वही लगा दिए वहाँ पर वायर निकाल दी बाहर मैंने। अब दोस्तों इसमें एम्पलीफायर कनेक्ट करेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। वो क्योंकि बड़े दोस्तों बड़ा जो एम्पलीफायर है उससे हमारे दोनों जो बेस वाले बूफर हैं वो चलेंगे, और जो हमारा मिनी एम्पलीफायर है जो उससे जो है हमारे दोनों साइड वाले चलेंगे। दोस्तों बड़े वाले से हम चारों इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि बड़े में अभी एक ही IC चल रही है, तो हमारा वो सिंगल चैनल पर ही है। तो अब इसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एम्पलीफायर है, Bluetooth mode clear. तो हमारा जरा ऊपर में हमें
चलती है और ये हम एसी से चला रहे हैं तो हमें की आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। अब दोस्तों ये छोटा वाला हम बंद करते हैं, ये भी हमारा ऑन। अब दोस्तों वॉल्यूम बिल्कुल इसके बंद कर देते हैं, अब धीरे धीरे इसके वॉल्यूम सेट करेंगे। अब इसमें फटाफट एक सॉन्ग प्ले करते हैं। दोस्तों एयरफोन का यूज़ करना, एयरफोन लगा लेना जिससे आपको साउंड पता लगेगा। दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, कैसा लगा हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है, बेस कैसी आई? काफ़ी धांसू बेस आ रही है दोस्तों। मैंने आपको इस पर पेपर लगा दिखाया, पूरा बढ़िया वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर आज आपको सारी जानकारी मैंने दी है, हर तरह से मैंने दिखाया आपको कैसे बनाया मैंने म्यूजिक सिस्टम। तो बताना कमेंट करके कैसा लुक लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एक लाइक करके ज़रूर जाना, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें मुझे, धीरे धीरे इसमें 3 दिन हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और इसको रात को मैं इसको भी बना रहा हूँ। रात का मुझे काफ़ी समय हो गया है दोस्तों, रात को 12-12 एक एक बजे मैं सो रहा हूँ और दिन में भी मैं लगा रहा था एक दिन 1 बजे तक। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों एक लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलता हूँ किसी धमाकेदार वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।